भारत और श्रीलंका के बीच कौल में खेले जा रहे टेस्ट मैच में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। अपने पहले ही टेस्ट मैच में हार्दिक पांड्या ने 4.9 गेंद में 50 रन की पारी खेली। पांड्या ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए। पांड्या ने सिर्फ 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पांड्या ने अपने पहले ही टेस्ट में शानदार पारी तो खेली लेकिन वो 83 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। हार्दिक पांड्या ने 48 गेंद में अर्धशतक लगाया, जो कि डेब्यू टेस्ट में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। डेब्यू टेस्ट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक युवराज ऑफ पटियाला ने इंग्लैंड के खिलाफ साल 1934 में लगाया था। मद्रास चेन्नई में खेले गए इस टेस्ट मैच में युवराज ऑफ पटियाला ने दूसरी पारी में सिर्फ 42 गेंद में अर्धशतक लगाया था। डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के। हार्दिक पांड्या भले ही सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके, लेकिन उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हार्दिक पांड्या अपने पहले ही टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। कौल टेस्ट में हार्दिक पांड्या ने 3 छक्के जड़े, जो कि भारत की ओर से एक रिकॉर्ड है। हार्दिक से पहले 7 बल्लेबाजों ने अपने डेब्यू टेस्ट में 2 छक्के लगाए थे। हार्दिक पांड्या श्रीलंका के खिलाफ 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, बावजूद इसके उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। हार्दिक ये कारनामा करने वाले सिर्फ 4थे भारतीय खिलाड़ी हैं। डी शोधन, डी फाटकर और सी गोपीनाथ 8वें या उससे नीचे के बल्लेबाजी नंबर पर डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक लगा चुके हैं।